हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी भाइयों? तो भाइयों, बहुत बार हम जब एजेंट को कहते हैं भाई इंटेंशन है, सर इसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न क्या है करते रहते हैं। तो मैडम को रीज़न क्या है वो समझा दिया है, तो बस ऐसे ही आपको समझाना है। हंसत रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। चलिए सुनते हैं भाइयों। हेलो हेलो, बाबूराम नायक बात कर रहे हैं सर? जी मैडम, बाबूराम नायक, मैडम छोटा बाबू भी कह सकते हो आप। हाँ जी, आगे बताइए। बाबूराम जी बात कर रहे हैं आप? हाँ मैडम, लाइट बंद कर रही है। आपसे सीधा बात कर रही सर। हाँ जी, आगे बताइए आप। जी पेटीएम की व्यापार से सीता बात कर रही है सर। रिकॉर्डर लाइन पे पेमेंट के लिए कॉल है। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड से सर पर्सनल लोन चल रहा है आपका 15,177। ईएमआई अमाउंट है, ड्यू डेट 5 अगस्त को क्रॉस हो गया, बट पेमेंट अब तक नहीं हुआ है। क्या रीजन है सर? पेमेंट अब तक नहीं हुआ, रीजन क्या है? जी रीजन मैडम कुछ नहीं है मैडम। तो ठीक है, पेमेंट करवाए क्यों नहीं करवाए फिर बताइए, पेमेंट करवाइए। रीजन कुछ नहीं है, लेकिन पेमेंट भी हम नहीं कराए। क्यों नहीं करवाएंगे मैडम? रीजन ही तो नहीं है, वरना बता देते ना कि नहीं करवाएंगे। तो रीजन नहीं है तो पेमेंट करवाइए ना सर। नहीं मैडम, लेकिन हम पेमेंट नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे मैडम? रीजन ही तो नहीं है, वरना आपको बताया था ना क्या रीजन। तो रीजन नहीं है तो पेमेंट करवा दीजिए। लेकिन मैडम हम पेमेंट नहीं करवाएंगे। लोन लिया है, लोन का पेमेंट तो करेंगे ना ईएमआई? नहीं मैडम, हम पेमेंट 5 तारीख से लेके 29 तारीख कर दिया है आपने, ये बताइए क्यों नहीं करेंगे पेमेंट? नहीं मैडम, हम पेमेंट नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे रीजन बताइए, या फिर मैडम रीजन है ही तो नहीं, वरना रीजन बता देता आपको। नहीं है तो पेमेंट करवाइए, पैसे है ना यहाँ पे, पेमेंट करवाइए। हाँ जी, पेमेंट हम नहीं करेंगे। क्यों लोन नहीं लिया है आपने बता दीजिए? नहीं, लोन लिया है आपने? लोन हमने लिया है, लेकिन मैडम हम पेमेंट नहीं करेंगे। अच्छा लोन लिया है आपने, बट पेमेंट नहीं करेंगे। रिकॉर्डेबल लाइन पे बात कर रहे हैं आप? रिकॉर्डेबल लाइन मैडम, इसको जो है ना टीएल को पेन ड्राइव में भर के देता, मैं देख लूंगा क्या वो फाइल लेगा मेरे। ठीक है, क्या करके दे दे? टीएल को पेन ड्राइव में भर के देता, मैं देख लूंगा मेरा क्या वो फाइल लेगा। ठीक है, नहीं तो ये जो भी बोले एक तो वॉइस आपकी क्लियर नहीं है। ठीक है, आप ये पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे ये बता दीजिए मैडम। इसका कोई रीजन ही तो नहीं, वरना मैं आपको बता रहा हूं। आपने लोन लिया है मैडम? लोन लिया है, खाया भी है, हक भी दिया, अब क्या करना है? जी जी, तो पेमेंट करना होता है ये भी जानकारी होगी? नहीं मैडम, हम पेमेंट नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है। पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप आज करिए या कल करिए, ठीक है। पेमेंट तो आप करेंगे जरूर सर, बता दूं लेट करने से कोई फायदा नहीं है आपका। अमाउंट आपका बढ़ रहा है 1.66% इंटरेस्ट मंथली, कैलकुलेट डेली बेस पे हो रहा है, जो कि प्लस बाउंसिंग चार्ज 200 रुपये सर सिविल इम्पैक्ट हो रहा है आपका। ठीक है, किस रीजन से नहीं कर रहा आप रीजन बता नहीं रहे? रीजन ही तो नहीं है। हाँ जी, रीजन ही तो नहीं है। रीजन नहीं है, एक मिनट लाइन पे रहिएगा। अरे ये क्या हो गया, हाँ जी बोलिए मैडम। आपसे नहीं बोल रहा, सॉरी आपसे नहीं बोल रहा सर। पेमेंट करवा दीजिए आप। पेमेंट मैडम हम नहीं करेंगे। हाँ जी, पेमेंट हम नहीं करेंगे। नहीं करवाएंगे तो कब करवाएंगे ये बताइए मैडम? हमें पता नहीं है, अभी सोचा नहीं है हमने कब करवाएंगे। कुछ पता ही नहीं है आपको ना सर, रीजन पता है ना पेमेंट करने का पता है ना? पता ही नहीं है। हाँ जी, रीजन पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, कॉल साथ ही रहेंगे, अरेंज कीजिएगा। ठीक है, कॉल मैडम क्या अरेंज करना, पैसा अरेंज करना है या अटेंड करना है? नहीं, कॉल आएगी रिसीव कीजिए, ठीक है। बाकी जो फील्ड भी, जो फील्ड पे आपका डेटा चल रहा है, आपके घर पे कभी भी विजिट हो सकता है। ठीक है, अगर आप कुछ बताना मैडम। मैं डर गया मैडम विजिट के नाम से, मैडम बहुत डर लग रहा है मैडम, प्लीज विजिट मत करवा मैडम, प्लीज विजिट मत करवा मैडम। मैं आपके आगे मैडम पैर जोड़ता हूँ मैडम, पैर जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ मैडम, विजिट मत करवा सर। हेलो, हाँ जी, पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, आप जो बोल रहे रीजन भी नहीं है, पेमेंट भी नहीं करेंगे तो पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सीता है सर, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। ओ, सीता नाम है, मैं भूल गया था थोड़ा। मैडम आपको मैं कुछ ना बोलते हुए ज्यादा तो इतना बोलूंगा, जब कस्टमर इतना मना कर रहा है तो इंटेंशनली नहीं देना चाह रहा होगा ना, इतना सा लॉजिक नहीं लगा पाते आप लोग। नहीं तो मना कर रहे हैं तो मना करने का रीजन भी होना चाहिए ना, क्यों मना कर रहे हैं। होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। जी जी होल्ड, ठीक है लाइन पे ही हूँ, बताइए। बाहर जा आगे। हेलो आइए, क्या हो आपसे नहीं मिल रहा। हेलो हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था मैडम, जब कस्टमर इतना मना कर रहा है तो इंटेंशनली नहीं देना चाह रहा होगा ना, कैसी करने वाली बात। मना कर रहे हैं सर, लोन लिए हैं तो क्यों, ये बताइए ना, मना करने का रीजन पता ही नहीं है ना, रीजन ही नहीं पता। नहीं पता है तो पेमेंट करवा दीजिए, मैडम पेमेंट नहीं करा। क्यों नहीं करवाएंगे मैडम, आप गधी हो क्या, आपको अभी बताया ना इंटेंशनली नहीं देना चाह रहा, तो वो ही चीज चार बार बोल देना चाह रहे, लोन लिए है ना मैडम, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये पता ही नहीं, क्यों नहीं देना चाह रहा मैडम। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इंटेंशन का मतलब आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, आपका पेटीएम ने जो आपको लोन दिया है, आपका पर्सनल अमाउंट था नहीं था ना मैडम, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, इंटेंशन का मतलब मैंने आपसे पूछा मैडम, एक बार मुझे भी तो बता दो इंटेंशन का मतलब क्या होता है। नहीं तो मुझे आप रीजन बता दीजिए ना, क्यों रीजन नहीं ऐसी तैसी में क्या, इंटेंशन का मतलब बता दो। नहीं मेरे को आप ये, आपको मैंने कुछ बताने के लिए नहीं, पेमेंट के लिए कॉल किया है मैडम। आप तो मुझे बता ही रही है कब से, आप मुझे बता रही है कि मेरे जो है ना गर्दन पर तिल है, मैं सुंदर हूँ, नहीं बता सकते, आप पेमेंट करवा दीजिए, आप पेमेंट करवा सकते हैं, आप पेमेंट करवा दीजिए मैडम। आवाज लग रही है 26 साल की हो गई है, 26 साल मेरी, नहीं 26 तारीख नहीं है जी, 29 तारीख हो गया सर आपकी जानकारी। मैडम 26 साल की हो आप ये बोल रहे हो। अच्छा मैं 26 साल की हूँ ऐसा लग रहा है, 26 साल। धन्यवाद बताने के लिए, धन्यवाद बताने के लिए, आप पेमेंट करवा दीजिए सर। मैडम पेमेंट नहीं, मैडम पेमेंट नहीं कराएंगे। हाँ जी पेमेंट नहीं कराएंगे, क्यों लोन आपको सर, ये कि आपको जो पर्सनल लोन मैडम, मेरे बाप का पैसा है, मेरे बाप का पैसा है। हाँ जी मेरे बाप, तो ठीक है उसे लौटा दीजिए, लौटा दीजिए मैडम, बाप ने कहा नहीं है ना मेरे के वापस दे दे तो क्यों दो। नहीं तो नहीं तो देखिए इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो आपके घर पे बता दूं, कभी भी फील्ड विजिट हो मैडम। मैडम मैडम प्लीज मैडम, फील्ड मत करवाना मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम, मैं जो है ना मैडम आपके आगे पैर जोड़ता हूँ मैडम, पैर जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, फील्ड विजिट मैडम मत करवाना मैडम प्लीज मैडम, मैं डरता मैडम, डरता बहुत हूँ मैं फील्ड वालों से मैडम, मेरी जो है ना पैंट गीली हो जाती है, उनको देख कर पैंट गीली हो जाती है, प्लीज मैडम मैं आपके आगे मैडम दोनों पैर जोड़कर आपसे विनती करता हूँ मैडम, ये देखो मैंने जोड़ भी लिया है, विनती करता हूँ मैडम फील्ड विजिट मत करो। मैडम कहाँ चले, सीनियर को ट्रांसफर कर रही हूँ मैं, सीनियर मैडम मैं देखो सुनो। हेलो मैडम, हेलो सीता जी, अरे सीता जी वेरी गुड आफ्टरनून सर, जितेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ पेटीएम के व्यापार से, मेरी बात बाबू राम से हो रही है। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, हाँ जी जितेंद्र सिंह जी बताओ। सर आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है सर, ड्यू डेट ऑलरेडी निकल चुकी है सर, 5 अगस्त के लिए, क्या इशू आ रहा है? ऐसा पेमेंट में नहीं करूँगा। मैं जान सकता हूँ क्या रीजन है जिस वजह से नहीं कर, इशू नहीं पता मुझे क्या है, बस पेमेंट नहीं। तो आपको जब इशू नहीं पता तो आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? बस पेमेंट नहीं करूंगा, इशू नहीं पता सर। क्यों नहीं करेंगे आप, एक रीजन यार यही से नहीं पता मुझे, बस पेमेंट नहीं। सर आपने तो आपका कहने का मतलब ये है, आप भाई साहब जितेंद्र, आप सर सुन लीजिए मेरी बात, आप उसके सीनियर हो लड़की के सीता के, बिल्कुल तो गधे की दुम, तो ये नहीं पता जब कस्टमर इतना मना कर रहा है तो इंटेंशनली नहीं देना चाह रहा, भाई चीज से चार बार पूछ रही है, चार बार ही पूछ रहा है, चूती हो गए तुम लोग, दिमाग नहीं होता तुम लोगों में, टेंशन नहीं है तुम लोगों में, क्या कहना चाह रहा है कस्टमर। आप ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना सर, ये रिकॉर्डेड लाइन पे आप नहीं, जितेंद्र भाई जितेंद्र भाई मैंने तो कुछ बोले नहीं, जितेंद्र भाई सुनो सुनो, मैंने यार मैं देखो जितेंद्र भाई मैंने जो बोला उसके लिए सॉरी यार, मैं आपके आगे सॉरी पैर जोड़कर विनती करता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को बाहर मत देना ठीक है, वरना मेरी आंट जो है ना सुलग पड़ेंगे, मेरी घान फट जाएगी ठीक है भाई। जितेंद्र भाई मैं पैर जोड़कर आपके सामने विनती करता हूँ जितेंद्र भाई, प्लीज जितेंद्र बताइए प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है जितेंद्र भाई, आपको खुजली हो रही है जानने की, मैं पैसे क्यों नहीं देना चाह रहा, मैं नहीं दूंगा इंटेंशनली। भाई साहब जितेंद्र भाई आपकी वॉइस नहीं सर, हेलो 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 जितेंद्र भाई यार, बस रिकॉर्डिंग तो यार देना मत यार, मुझे डर लग रहा है यार, कहीं तुम यार दे दो और मुझ पे केस हो जाए यार प्लीज।
ओके ठीक है जी। तो आप ये पेमेंट कब कराएंगे सर? पेमेंट कब कराऊंगा जी? पेमेंट तो भाई साहब कभी नहीं कराऊंगा, पेमेंट कभी नहीं कराऊंगा, कभी नहीं कराओगे तो ये तो कोई बात नहीं हुई, कभी नहीं कराएंगे सर। और क्या बात होनी चाहिए बताओ सर? ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं मैं मेंशन कर देता हूँ। पेटीएम को समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है ठीक है भाई। जितेंद्र भाई हेलो, जानकारी समाप्त हो चुकी है। वो तो ठीक है, लेकिन यार ये रिकॉर्डिंग देना मत प्लीज। टीएलवीएल को यार जेलवेल करा देगा मुझे भाई, बहुत डर लगता है। मैं आपके सामने पैर जोड़ कर विनती करता हूँ, देखो जोड़ भी लिए दोनों पैर, पैर जोड़ कर विनती करता हूँ। ठीक है ओके सर, थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। गुड इवनिंग सर। हां जी, हां राहुल सर से बात मैं प्रेफर के बात कर रही हूँ। आपने प्रेफर से लोन लिया है उसके एमआई ड्यू जा रही है, क्या इशू है सर? इशू मैडम कुछ नहीं है, बस मैडम सम्मत चल रहा है, आप बताइए सब बढ़िया। सॉरी आप बताइए सब बढ़िया चल रहा है? सर आप प्रोफेशनल बात कीजिए ना, आपसे पूछ रही है आपने प्रेफर से लोन लिया उसकी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैडम आपने पूछा इशू क्या, आपने ये नहीं पूछा पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? हाँ जी इशू क्या है वही तो पूछ रही हूँ, पेमेंट नहीं कर रही हूँ। मैडम इशू सब बढ़िया है, कुछ नहीं इशू चल रहा, आप बताइए सब बढ़िया। हाँ जी सर सब बढ़िया। पेमेंट कब तक होगी आपकी? पेमेंट कभी नहीं होगी मैडम, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो नहीं। अच्छा जब तक आप जिंदा हो जब तक पेमेंट नहीं होगी, क्यों सर? मेरे मरने के बाद डेथ सर्टिफिकेट लगा दूंगा। अच्छा आपने लोन क्यों लिया था? लोन मैडम आपने लो, आप जब लोन ले रहे थे आपने क्या बोला था कि जब मैं मर जाऊंगा जब मैं पे करूंगा? मैडम आपका नाम क्या है? सर मैं प्रेफर के बिहार से पूनम बात कर रही हूँ। पूनम मासी आने वाली है? हाँ पूनम जी बोला है ठीक है। हाँ जी ऐसे बोला, ऐसे बोला था आपने? हाँ आप ये बताइए पेमेंट फिर आपका कब तक होएगा सर? ये देखिए आप ऑलरेडी चार, मैडम जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कर लेंगे। जब तक जिंदा हो जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे क्यों सर? मैडम क्योंकि मैं जिंदा हूँ ना। हाँ जी सर क्योंकि मैं जिंदा हूँ ना। अच्छा अभी जिंदा हो इसलिए पेमेंट नहीं होगी? चलिए तो सर आपके घर पे 3 डिजिट होगी। हेलो सर आपके घर पे, हेलो आपके घर पे 3 डिजिट हो? मैडम मैं आपके हाथ सॉरी मैं आपके पैर जोड़ कर निवेदन करता हूँ मैडम, प्लीज मैडम फील्ड वालों को मत भेजना बिना ऑथराइजेशन लेटर एम्प्लॉयमेंट आईडी के, तो मत भेजना ठीक है। ऑथराइजेशन लेटर इम्प्लीमेंट आईडी के साथ है, लेकिन मैडम मैं चाहता हूँ पैर जोड़ कर आपसे विनती करता हूँ, मैडम मत भेजना प्लीज, मैडम डर लगता है हम लोगों। तो आप पेमेंट कर दीजिए ना सर, हमें आप कस्टमर को डराना नहीं होता है, आप ईएमआई कंप्लीट कीजिए मैडम। 4 महीने भाई आप मतलब एक एज अ मतलब थोड़ा सा पर्सनल ये क्वेश्चन, लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा ज्यादा पर्सनल नहीं है कि क्या, एक मिनट मैडम बोलने दो, आप मुझे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है ज्यादा पर्सनल नहीं है आपसे, मैं बस इतना जानना चाहूंगा कि आप कलेक्शन कितने टाइम से कर रही हो, इतना जानना चाहूंगा। अच्छा 4 मंथ अभी ऐसी हरकत है आपकी, वरना अगर कोई 1.5 साल पुरानी होती तो इतने में तो भड़क जाती है। जी आप जैसे मैंने भड़कने से पेमेंट थोड़ी आ जाएगी सर? नहीं आपने मैंने शब्द नहीं सुना, मैंने आपसे क्या बोला, मेरे मैं आपसे पैर जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप ऑफिसर को यहाँ मत भेजना, और मैंने आपसे बोला अगर भेजो तो ऑथराइजेशन लेटर विद इम्प्लीमेंट आईडी, इसका मतलब ये होता है कि मैं आपका बहुत बना रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जितने ज्यादा ऑफिसर भेजो, समझे मैं आपका मजे ले रहा हूँ। आप मैडम आप समझ ही नहीं पा रही इस बात को, ये मुझे बताना पड़ रहा उल्टा आपको लौट कर। हाँ जी अरे मैडम पूर्णिमा जी आप भी इतनी फनी हो पूर्णिमा जी, बहुत ज्यादा। मैडम वैसे एक बात बोलूंगा पूर्णिमा जी जाते जाते कि जिस तरीके से आप रिकवरी कर रहे हो ना बहुत अच्छा तरीका लगा आपका, मतलब आपने कोई भी बदतमीजी नहीं करी, ऐसे ही रिकवरी करना मैडम या ऐसे कलेक्शन करना, कभी बदलना मत मैडम, ऐसे कॉलोरी की बहुत जरूरत है।
जी बिल्कुल, देखिए कस्टमर से चिल्लाने से तो कोई फायदा ही नहीं है, उन्हें उनके पास अगर पेमेंट होगी वो ऑलरेडी पेमेंट कर देंगे। मैडम ये बात जान के बहुत अच्छा लगा कि आप मैडम इतना कम से कम समझती तो। थैंक यू सर। ठीक है मैडम मैं चलता हूँ। मैडम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैडम। हैव अ गुड स्टे एंड नाइट दोनों मैडम। ओके थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।